हेलो फ्रेंड्स, मैं बिन्नी कालरा। मेरे चैनल मदर डिलाइट्स में आपका स्वागत है। कई बार जब हम चावल बनाते हैं तो वो बच जाते हैं, तो उसका समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो आज मैं बचे हुए चावल से उत्पम बनाने जा रही हूँ, जो कि एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और ये सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपके सामने है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 2 कप मटरों वाले चावल लिए हैं। मैंने ये वाले कप का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी कटोरी से मेज़र कर सकते हैं। एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें ये चावल ऐड करेंगे। इसमें दही ऐड करेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दही की वजह से ये इजीली पेस्ट बन जाएगा। हमारा पेस्ट बन गया है। अब इसे इसे बाउल में डाल लेंगे। सूजी डालेंगे। इसकी रेशो ऐसे रखनी है, जैसे 2 कप चावल हैं तो 1 कप सूजी, आधा कप दही, ऐसे बनाना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि ये बैटर बहुत गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको ढककर 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हम उत्पम के लिए टॉपिंग रेडी करेंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे। आप इसमें कलर्ड शिमला मिर्च का प्रयोग भी कर सकते हैं। टमाटर डालेंगे। सब चीज़ें चॉप की हुई यूज़ करनी है। हरी मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे। मेरे पास पिसी हुई अदरक थी, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। आप चॉप जिंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक का थोड़ा ध्यान से प्रयोग करना है, क्योंकि जो हमने चावल बनाए थे उसमें भी नमक है। लाल मिर्च डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी उत्पम के ऊपर लगाने के लिए टॉपिंग रेडी हो गई है। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन उठाकर देखेंगे। ये हमारा बैटर रेडी है। इसमें ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी भी फूल चुकी है। मैंने ये उत्पम पैन गरम कर लिया है। अब हम इसको ग्रीस कर लेंगे। चम्मच की सहायता से इसके ऊपर बैटर डाल देंगे। अब हमने ये जो सब्जियों की टॉपिंग बनाई थी, ये इसके ऊपर डाल देंगे। को हल्के से प्रेस कर देंगे। और इसको ढककर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे। हमारे उत्पम रेडी हो गए हैं एक तरफ से। अब हम इन्हें स्टेपुला की सहायता से पलट देंगे। बिल्कुल हल्का हल्का सा तेल लगाएंगे। दूसरी तरफ से भी 1 मिनट तक पकाएंगे, ताकि वो थोड़ा सा गोल्डन हो जाए।
ये देखिए हम चेक करते हैं, ये हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसी तरह हम बाकी सारे भी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इसी तरह से बाकी उत्पम भी बना लेंगे। ये देखिए हमारे सारे उत्पम रेडी हो चुके हैं। मैंने इसे उत्पम पैन में बनाया है। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप नॉर्मल नॉनस्टिक तवे पे भी बना सकते हैं। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या ब्रेकफास्ट में किसी भी टाइम सर्व कर सकते हैं। साथ में आप इसे नारियल की चटनी या टमाटो सॉस के साथ सर्व कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। एंजॉय। बाय बाय।